माँ दुर्गा, मैं नित रोज आपकी पूजा करती हूँ माँ, आप मेरी ऊपर क्यों नहीं एक नजर डालती हो माँ, मैं कब तक कुमारी बनकर इस कर्नाटक के अंदर रहूंगी, सबकी शादी सबकी गौना, क्या मेरी नसीब में मेरी शादी नहीं लिखी है माँ, क्या मैं सुहागन नहीं बन सकती हूँ माँ। सिमैया जी गई के आना यही करमुआ, हमारा तया बदला इस गहना, पानी हरा में रहैया माता कैसा होता जी, तू हमारा चल दिया बेटिया बचन ताके गैना माँ। ठीक है, जब माँ दुर्गा की महिमा होगी, मुक्तिनाथ बाबा की महिमा होगी, तो जरूर एक दिन न एक दिन मैं भी सुहागन बनूंगी। आज मैं नित रोज अपनी भैया जी के लिए गरम गरम चाय नरम नरम नाश्ता लेकर के जा रही थी भैया जी की बंगली के ऊपर, आज नहीं जाऊंगी, जब भैया जी आएंगे उसी मैं बात करूंगी, मैं इस समय अपने महल में बैठ जाती हूँ। भैया जी आप आ गए, तो भैया जी के चरणों में मैं करती हूँ परी, तो भैया जी के चरणों में चंदा करती है परिणाम, तो खुशी मन से दीजिए भैया आज मुझको आशीर्वाद। चंदा भैया जी, तुम हर रोज एक हाथ में गरम गरम चाय लेकर के एक हाथ में बिस्कुट लेकर के आ रही थी, मैंने भाई साहब सबको निमंत्रण दिया था जो ठंड लग रहे हैं, चाय लेकर के मेरे बहन आएंगे तो अब सब आदमी को पिलाएंगे।
भैया जी क्या भूल गई तुम? भैया जी मैं नहीं भूली हूँ, आज नरम नरम नाश्ता गरम गरम चाय इसलिए लेकर के नहीं गई हूँ। जितना दूध था सब ये पी गया, तो चाय कैसे बनाती? क्या रे? जितना नाश्ता था सब खा गया। ए, तू अपना मार खिला दो, तू ना कर से। भाई भैंसिया बटा के लिए भैंसी ने दूध नहीं दे के था हमको दिखाया। दूध पी लिया, दूध पी लिया। इसी दूध को कारण जोगिया में मैंने तुझे टांग चंदा क्या गए तू जाना मार खी पीछे तन्नी को हटा। भैया जी ए मैंने क्या तुमको देख रहा हूँ? क्या भैया जी? आज आंख से आंसू क्यों बहाई है तुम? ना भैया जी आंसू कहाँ है। बस बस चंदा तुम झूठ बोल रही हो। नहीं भैया जी आज तुमको याद कर रही है जो तुमने आंसू गिराई है। भैया जी तुम क्या आज अपनी मोती महल को अंदर सोच रही थी? साफ साफ बताओ कौन सखी सहेली ने काना भरी बातें कही या कोई शौक शिकार को कमी हो गए? चंदा आज इतने मुखमलीन हम काला तुम को छाता चारा तुमको जो मैं छोटा कमी हो गए मोती महलों में सुनाओ मेरे महल जानती हो जब तुमको उम्र 5 साल का हुआ तो पिताजी इस दुनिया से उठ गए। 8 साल का उम्र हो गए तो माँ मेरी इस दुनिया से चली गई। सारा प्यार दुलार पोषण पालन सिंघा और भैंसा सिंह ने किया। कोई चीज का कमी हो गए किला कर्नाटक को अंदर दुनिया वाले ताना भरी बातें कहेगा। भाषा सी तुम्हारे बहन सिंगार को लिए तरस रही है, कोई पास सूट के लिए तरसती है। तुम साफ साफ बताओ चंदा, साफ साफ बताओ। भैया जी ना बुझे घाटी अंधन लक्ष्मी ना घटी दबे की ढोली पान ना कोई छात्री गाली दिया ना कोई दिया है तुकारी। भैया जी आप दो भाई के बीच में रहते हुए
मुझे क्या चीज की कमी होगी भैया जी। लेकिन भैया जी कहा है लेकिन क्या कह रही हो भैया? आप दोनों भाई को जीते जिनके मुझे क्या मिला था? क्या कभी इस कर्नाटक को अंदर हो सकता चंदा? लेकिन लेकिन का याद मन रुक जाइए भैया, मैं साफ साफ चंदा से पूछ लेता हूं। चल पूछो, चल बताओ। चंदा चंदा भैया जी, तुमने अपने आंखों से आंसू टपकाती थी, प्रेम भैया ने आपसे बार बार पूछा कि चंदा तुझे कोई ऐसा वस्तु का कमी है तो बता, तुम नहीं बता सकती थी, फिर लेके कहां? अगर तुझे किसी भी वस्तु का कमी होगा तो यह कर्नाटक को अंदर दोनों भाई जिंदगी का धिक्कार है चंदा चंदा। तुझे शर्माने का थोड़ा सा वाद नहीं जो तेरा दिल में है साफ? ठीक है भैया जी, भैया जी, लेकिन का अर्थ यही है भैया जी। हो भैया सुने का मैं सुन रहा हूं कर्नाटक के महाराज। हो ये कटा नजारा से हो भैया देखा बहिनी के। चंदा तुम साइड हो जाओ, मैं अपने भैया से पूछ लेता हूं। भैया जी, भैया आपने कहे थे कि नारी अबला को लंकापति रावण ने हर कर ले गया था, हकीकत में नारी सब अबला ही होता है, नारी अबला नहीं होती। लंकापति रावण सीता को नहीं हर कर ले जाता, नारी अबला नहीं होता तो दुशासन द्रौपदी को चीर नहीं खींच लेता, नारी अबला नहीं होती तो जाती थी ससुराल देवकी कंस से वापस लाकर कारागार में नहीं डाल देता। आज उसी समाज चंदा यमला बनकर रो रही है कि भैया एक नजर से भैया सुने हैं ना? मैंने सुना हूं सिंघा,
सत्य में मैंने चंदा को लिए भैया कंस बन गया, दास देवकी को भैया कंस बन गया था, आज चंदा को लिए भैंसा कंस बन गया। ठीक है ठीक है, चंदा भैया जी, आज जैसे बंदूक का निकला हुआ गोली, मुख का निकला हुआ बोली, भैया मेरा सीना को छल्ली छल्ली, भैया जी यह सीन देखते हुए एक पुरस्कार नरकटिया से रंजय कुमार यादव जी ने मुझे दिया 51 रुपया, मैं उनको इस रंगमंच से आशीर्वाद देता हूं क्योंकि मैं हमसे छोटा है। ओ चूके चूके जियो रे अब बबुआ रे अब, ओ चूके चूके जियो बबुआ तुम नरकटिया मस्ती, दुखती जो पापा के बबुआ सुनके हमारी जो पास रे रहे जी तैयारी अब सातो पहिन मैया, सेनापति सिंघा मेरे हाथ को अस्त्र दे दो, न रहेगा बांस न बाजेगा बांस। क्या कीजिएगा भाई, साइड हो जाओ साइड हो जाओ। ए अब क्या कर रहे हैं, चंदा चंदा साहब भैया जी, आज मैंने दोनों नजर से तुमको ऊपर मैं देख रहा हूं, ए संभाल ए संभाल चंदा, बुला दिन एक दो तीन कहूंगा सड़ का ऊपर मेरे बाजार दे, बुला दो हे तो हे नहीं भैया ना,
बस करके भैया जी।